नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपीएसआई मेडिकल अपडेट्स। किस किस जिले का पत्रावली का काम पूरा हुआ? जिला स्तर नोटिस जारी। ट्रेनिंग डेट क्या होगा? मेडिकल बुलावा पत्र कब से मिलना शुरू होगा? सबकी जानकारी मेरे पास है, आप वीडियो में बने रहिए। ये पत्रावली काफ़ी फेमस हो रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं फेक है, लेकिन ये फेक नहीं है। मेरे पास एक लिस्ट है, सेम एज इज नाम लिस्ट में भी दिया गया है। सुदीप बघेल, मोहन सिंह बघेल इनके पिता का नाम है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। ये लिस्ट में इनका नाम है सुदीप बघेल, मध्य प्रदेश, इनका लिस्ट में भी नाम है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भैया फेक है? ये जानकारी फेक नहीं है, ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। पत्रावली वाला काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिला स्तर पर पहुँच रहा है, ठीक है। SP के पास पहुँच रहा है ये सब मामला, ठीक है। आपके पास कब एडमिट कार्ड आएगा? आपके पास कब आएगा पत्र कि आपको मेडिकल करवाना है? मेडिकल की डेट अनाउंस हो गई है, आप सबको पता है कि 17 अक्टूबर से मेडिकल होना है। तो 10 से 12 अक्टूबर के बीच आपके पास पहुंच जाएगा कि आपको मेडिकल करवाना है, ठीक है। आपके पास पहुंच जाएगा कि आपको मेडिकल करवाना है, यहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है। ये सब देख लीजिए, एक ही नहीं कई है मेरे पास, जैसे देवेंद्र सिंह तोमर कोई है, उनका भी है। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 तारीख की डेट पे ये हस्ताक्षर हुआ है, मोहर लगा है, हेडक्वार्टर 775 2/10/2022, ठीक है। इससे पहले कब हुआ था? लखनऊ, अक्टूबर 1 अक्टूबर 2022 को हुआ था, ठीक है। डेली डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास पूरा फुल HD में है, आपको अभी मैं आपको क्लियर पढ़ के बता दूंगा मामला क्या है। ये सब देख लीजिए, वही सब काम हो रहा है। मुख्यालय पुलिस महानिर्देशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। ये 29 सितंबर का मामला है और 2 अक्टूबर तक का मामला आपको हम दिखा चुके हैं। ये 29 सितंबर का है, सुदीप बघेल जो आपको अभी हम दिखाए थे। अब ये देख लीजिए, मेरे पास लिस्ट है जो फुल HD में, मुख्यालय पुलिस महानिर्देशक उत्तर प्रदेश, दिनांक कब का है? लखनऊ, अक्टूबर 1 अक्टूबर 2022। अभी मैं आपको दिखाया था 2 अक्टूबर 2022 का, ठीक है। इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। उपरोक्ता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण जो मेडिकल होना है, दिनांक 17/10/2022 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित हुआ है। उप निरीक्षक नापू एवं समकक्ष पदों का सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत उप निरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा हेतु निर्देशित निम्नवत है। अब क्या क्या मामला है ये सब मेरे पास पूरा PDF 33 पेज का मेरे पास PDF पड़ा है। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो कल मैं इस पर एक बढ़िया और विस्तृत जानकारी लेकर आऊँगा, एक इस पर इसको मैं पूरा समझाऊँगा और एक ले आऊँगा कि क्या क्या DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, क्या बनवाना है, क्या अभी बचा है आपके पास, ये सारा चीज़ मेरे पास है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ कैसे होना है, ठीक है, किस एरिया का किस एरिया में होना है, ये सब लिखा है, ठीक है, सब देख लीजिए आप। सभी अभ्यर्थियों की अलग अलग पत्रावलियाँ होनी चाहिए तथा पत्रावली के ऊपर निम्नलिखित शीर्षक अंकित किया जाए। बोर्ड से प्राप्त होकर पुलिस मुख्यालय तक प्रेषित सूची का मुख्य क्रमांक, ये सब मैं आपके पास, अगर आपका डिमांड रहेगा तो ये मैं पूरा 33 पेज आपके पास भेज दूंगा। मेरे पास टेलीग्राम लिंक है, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो उसी पे भेज दूंगा इसे, कि आप लोग इसका जीरोक्स निकलवा लीजिए, जो जो ज़रूरत है वो कहाँ कैसे भरा जाएगा सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, कैसे भरना है क्या करना है, ठीक है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए। रही बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मामला को बहुत बड़ा नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि कल इसके बारे में बढ़िया से आपको जानकारी दे दूंगा कि आप लोग इधर उधर भटके ना, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट की कमी है डॉक्यूमेंट को पूरा कर लें, सारा चीज़ जो PDF आप देख रहे हैं सारा PDF आपके पास एक तरफ से भेज दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।